बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हजरत नईम प्रोफ गिलामान, मेरे वालिद का नाम अब्दुल कयूम है। मैं मिसलिया सर्कल का रहने वाला हूँ। 2018 में पीटीएम जब वजूद में आई, उस वक्त से मैं पीटीएम का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं नफरत अंगेज शायरी और पाकिस्तान इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से 2018 में पाकिस्तानी इदारों ने बहरीन में मुझे गिरफ्तार किया। फिर बहरीन से मुल्तान ले आए, 6 दिन मुल्तान जेल में और 8 दिन बंद जेल में गुजारने के बाद मैंने जमानत की एफिडेविट दस्तखत किया, जिसके बाद मुझे रिहाई मिली। मगर उसके बाद भी मैं वही मुखालिफ शेर और शायरी और नफरत अंगेज तकरीर करता रहा। गलतियाँ तो मैंने बहुत सारे किए, लेकिन जिसका मुझे ज़्यादा एहसास हुआ है वो अफगानिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान के खिलाफ शायरी, नफरत अंगेज तकरीर, गजल और खासकर यूथ को गलत मोटिवेशन करना है। पीटीएम का जहाँ तक फंडिंग की बात हो रही है, वो पाकिस्तान में जितने लोग जितने पठान और पाकिस्तान से बाहर ममालिक यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब ममालिक में जितने पीटीएम के सपोर्टर रहे, जिसने पीटीएम का सपोर्टर पीटीएम का मेंबरशिप हासिल किया है, वो सारे फंड इकट्ठे करके पाकिस्तान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हमीद शेरानी या मुशर मंजूर पश्तून को भेज रहा है। पीटीएम सरबराहान की तरफ से ऐसे प्रकार है जिससे मल्क इदार और आवाम के माध्यम फासले बढ़ते हो या नफरत पैदा होती हो या हमें जायज हकूक से दूर ले जाती हो, जो आईन के खिलाफ हो और टकराव की तरफ ले जाती हो। इनकी मैं मुज़म्मत करता हूँ। मसलन पीटीएम के जलसों में अफगानी झंडे लेकर आना, लर उबर के नारे लगाना, पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करना, कौमी अदारे पर किसी एक सूबे पंजाबी फौज का इल्ज़ाम लगाना, उन पर वज़ीरिस्तान की मदनियात पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाना वगैरह, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं इसकी मुज़म्मत करता हूँ। इन तकरीर का पीटीएम के मंशूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पीटीएम की तमाम जदोजहद पाकिस्तान के आईन के अंदर रहकर होनी चाहिए। ऐसा कोई भी नारा या नफरत अंगेज तकरीर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के खिलाफ है, इसका पीटीएम के आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी नफरत अंगेज तकरीर पर शर्मिंदा हूँ और माफी का तलबगार। आखिर में मैं अपने पीटीएम वाले साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमें रियासत मुखालिफ नारों की बजाय शुमाली वज़ीरिस्तान के हुकूम के लिए ज़िले इंतजामिया से मिलकर बातचीत करनी चाहिए और शुमाली वज़ीरिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल कर इकदाम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा पीटीएम का आधा इलाका और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया।